हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने को मिली, जहां दीपिका के साथ उनके लविंग हस्बैंड रणवीर सिंह ने भी रेड कार्पेट साथ में शेयर किया। दीपिका पादुकोण की शादी के बाद कमबैक फिल्म छपाक के लिए हमने अक्सर दीपिका को इमोशनल होते देखा है, फिर चाहे वो ट्रेलर लॉन्च पर हो या फिर सॉन्ग लॉन्च पे। दीपिका ने हमेशा ही इस फिल्म को उनके लिए स्पेशल माना है और ऐसे ही कुछ हुआ छपाक के स्क्रीनिंग के दौरान भी। ब्लू साड़ी पर दीपिका ने जैसे ही रेड कार्पेट पर एंट्री मारी, मानो सभी की धड़कनें रुक सी गई हो। लेकिन यहाँ भी दीपिका नम आंखों में नजर आई। अब स्क्रीनिंग दीपिका की फिल्म की हो तो हम उनके लविंग हस्बैंड रणवीर को कैसे मिस कर सकते हैं। रणवीर की एंट्री भी किसी से कम नहीं थी। दोनों का प्यार और एक्साइटमेंट लेकर रेड कार्पेट पे भी नजर आया, जहां नर्वस दीपिका ने रणवीर के गालों पर पप्पी कर फिल्म के लिए अपनी खुशी जाहिर की, जिसके बाद रणवीर ने उन्हें रिटर्न किस किया। दीपिका के बाद तो मानो रणवीर ने जो ब्लश किया है वो जाहिर करता है कि दोनों में कितना प्यार है। इसी के साथ बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म सितारों ने भी इस स्क्रीनिंग को अटेंड किया और सभी बहुत एक्साइटेड भी लगे। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने डेटिंग ऐप वी मेट को किया लॉन्च। अगर एक प्लेटफॉर्म पे ये चांस मिलता है देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई योर हार्डेस्ट, क्योंकि मैं भी सबको मिलना चाहती हूँ लेकिन होता नहीं है। एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट वी मेड इज डन, बीइंग एबल टू यू नो रीच आउट टू एक्चुअल फैंस। असली फैंस जो होते हैं वो भी बहुत दूर से आए, आई थिंक ही सेड 2500 किलोमीटर्स अवे, सो बहुत दूर से आए एंड is very very nice and I got very lucky. I got to meet one of my fans who has dreams and aspirations. He wants to open up his own gym and he wants to do many things for, you know, his community. So it's nice to meet people who have similar goals of being a good human being. Mumbai ke Big FM mein Jamming Season 3 ko launch kiya gaya. Is mauke par Udit Narayan, Bappi Lahiri aur Arman Malik maujood the. ये सीजन आया है एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां आप डिजिटल सिंगर और बॉलीवुड सिंगर्स को एक साथ फोक सॉन्ग के लिए कोलैबोरेट करते देखेंगे। सिंगर जो इस सीजन का हिस्सा बने हैं वो है बप्पी लहरी, अरमान मलिक, उदित नारायण, निकिता गांधी और अभय जोधपुरकर। ये शो आपको 18 जनवरी से सोनी पर सैटरडे संडे शाम 5 बजे देखने को मिलेगा। जामिंग में एक कोलैबोरेशन निकिता गांधी और बप्पी लहरी का भी होगा, जहां दोनों ने बंगाली फोक सॉन्ग गाया है। इस लॉन्च के दौरान सभी ने शो के बारे में बातें की और बताया कि कौन कौन से गाने उनकी तरफ से होंगे। साथ ही बप्पी लहरी, जिन्होंने इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर किया और बताया कि कैसे वो आज भी आज के सिंगर्स की तरह ही काम करना पसंद करते हैं। जैमिंग नो, जैमिंग इज एक्सेप्शनल बिकॉज मैं तो इतना शो में जा चुका हूँ। इसका ये नया शो का जो फॉर्मेट है, 5 गाना है और उसमें कैसे कैसे डिफरेंट स्टाइल में गाना है, एक बंगाली फोक हो, कोई महाराष्ट्रियन फोक हो, जो भी फोक है, एक फोक और 4 गाना, वेरी डिफरेंट देन अदर्स। तो बहुत सारे गाने हैं, 5 गाने हैं टोटली हमारे एपिसोड में एंड सबके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। और जब यू नो जो हमारे फैंस भी होते हैं, जब वो हमें देखते हैं परफॉर्म करते, वो हमारे गाने तो सुनते हैं लेकिन ये सब जो गाने जो चाहते हैं कि हम हमारे वॉइस में वो सुन पाए, तो उसका मौका उनको मिलता है जैमिन जैसे शो के द्वारा। तानाजी द अनसीन वॉरियर की एक्ट्रेस इलाक्षी गुप्ता ने अपने रोल के बारे में मीडिया से की खास बातचीत। अजय देवगन और काजोल की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म में अजय के साथ सैफ अली खान, शरद केकर, इलाक्षी गुप्ता मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। वहीं अजय देवगन तानाजी मूवी के साथ अपने फिल्मों का सैकड़ा पूरा कर लेंगे। इलाक्षी गुप्ता ने अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए बताया कि वो शरद केकर के अपोजिट पे कास्ट की गई थी,
जो फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि मेरे कुछ सीन अजय सर के साथ भी थे, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है और साथ ही इस फिल्म में भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। इलाक्षी ने अपने जर्नी के बारे में भी शेयर किया, उन्होंने कहा कि इस फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला है। चैलेंजेस देखा जाए तो सिर्फ मुझे लगा कि ऑन सेट इतने बड़े एक्टर्स के सामने इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में परफॉर्म करते हुए वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, बट सच बताऊँ तो टीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिंग है। एंड डायरेक्टर ओम राउत जो है वो पर्सनली सबको एक्सप्लेन करते थे सीन कैसे करना है, क्या करना है, क्या मूड है। तो आई थिंक इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आई एन्जॉयड इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग विच आई थॉट फॉर। काजल मैम के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, बट अजय देवगन एंड शरद केड़कर जो थे उनके साथ मेरा सीन था। एंड आई मस्ट से कि अजय देवगन जो ऑन सेट ही वॉज वेरी काइंड एंड यू नो ही वॉज सो स्वीट, सबसे बात कर रहे थे, मिल रहे थे, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा स्टार है जो काफ़ी ग्राउंडेड थे। सो या ही वॉज रियली नाइस टू एवरीवन। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।